कक्षा एकादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वे आंखें कविता। हम लोगों ने इस कविता को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और हम लोगों ने इसको उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बिना, आज जो मैंने काव्यांश लिया है जिसे आज की कक्षा में मैं पढ़ाऊँगा वो इस प्रकार है। उसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, फिर उसको मैं अर्थ के साथ व्याख्या करूँगा। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया दो दिन बाद मर गई। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से किसानों पर हो रहे अत्याचार, उनका शोषण, उनके अधिकारों का जो हनन होता है आदि बातों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किसान किस तरीके से दुखी है, उस पर क्या क्या अत्याचार और होते हैं। कवि कह रहे हैं कि बिना दवा दर्पण के घरनी, दवा दर्पण का अर्थ होता है दवा दवाई, घरनी का अर्थ होता है घरवाली पत्नी, स्वर्ग का अर्थ होता है स्वर्ग, चली का अर्थ होता है मर जाना, दुधमुही का अर्थ होता है दूध पीती छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची। तो आइए अब इसको समझते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग एक में संकलित कविता वे आंखें से उद्धृत है तथा इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसमें कवि ने किसान की पत्नी और उसकी जो दूधमुही बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, उसकी मृत्यु का बड़ा ही मार्मिक दृश्य उपस्थित किया, बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है, हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। क्या कह रहा है किसान? कह रहा है कि बिना दवा दर्पण के घरनी। सोचिए किसान की स्थिति ऐसी है कि वह दवा भी नहीं खरीद सकता, दवा खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हैं। इसके अभाव में उसके घरवाली, उसकी जो घरवाली है उसकी मृत्यु हो जाती है, वह उसका इलाज नहीं करवा पाता, वह जब बीमार पड़ती है तो उसका इलाज नहीं करवा पाता। आज भी हमारे देश में ऐसे किसान हैं जो बिना दवा के बिना इलाज के दम तोड़ देते हैं, उनके परिवार वाले दम तोड़ देते हैं, उनका परिवार उजड़ जाता है। तो केवल ये एक किसान की समस्या नहीं है, हमारे देश में जो किसान हैं बहुत संख्या में ऐसे किसान हैं जिनको दवा के लिए भी पैसे नहीं मिलते, उनकी स्थिति इतनी दयनीय होती है, इतनी बुरी होती है कि वह रोगों का इलाज नहीं करा पाते और उनका संसार उजड़ जाता है। तो कह रहा है किसान, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। उसकी जब याद आती है, किसान कह रहा है कि जब उसकी याद आती है तो मेरी आंखें भर जाती हैं, अर्थात मैं रोने लगता हूँ, अर्थात मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसके साथ मैंने जीवन और जीने और मरने की प्रतिज्ञा की थी, उसका सारा जीवन साथ निभाने का मैंने वचन दिया था, वह मेरे आँखों के सामने ही चल बसी, वो भी किस कारण से? उचित इलाज ना मिल पाने के कारण। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी घरवाली का इलाज कर सके। जब ऋण चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो सोचिए दवा दारू के लिए क्या पैसा होंगे? नहीं, तो दवाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसके चलते उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया दो दिन बाद गई मर। कितनी विभत्स स्थिति है कि उसकी पत्नी की जब मृत्यु होती है तो उसकी गोद में एक छोटी सी नन्ही बच्ची रहती है, जो
देखरेख के अभाव में माँ के मरने के बाद उसका कोई ठीक से देखभाल नहीं हो पाता, जिसके कारण वह दो दिन बाद मर जाती है, यानी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। हमारा समाज इस तरीके से है कि वह किसानों की कोई मदद नहीं करता, क्योंकि अक्सर किसान गरीब होते हैं, उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता, तो दवा कहाँ से मिलेगा? दवा के लिए तो पैसे की आवश्यकता होती है, तो जब उसके पास पैसा है ही नहीं तो वह दवा कहाँ से खरीदेगा? तो इस कारण उसका जो हरा भरा संसार है वह क्या हो गया? उजड़ गया। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसकी दूध मुही बच्ची की भी मृत्यु हो जाती है उसके माँ के मरने के बाद। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो किसानों की गरीबी है, जो विवशता है, किसानों की गरीबी और उनकी जो विवशता, वह जीना चाहते हैं, वह भरपूर मेहनत करते हैं। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते, स्वप्न में भी नहीं कह सकते कि किसान मेहनत नहीं करता, वह मेहनत से जी चुराता, ये कभी नहीं कहा जा सकता। वह जी तोड़ मेहनत करता है, फिर भी उसे उसकी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता और वह इसी चलते गरीबी का जीवन जीने को अभिशप्त हो जाता है। वह विवश होता है, बेबस होता है अपने परिवार का ठीक ढंग से पालन पोषण करने के लिए। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, उसकी गरीबी और विवशता का बड़ा ही कारुणिक वर्णन किया गया है। अगर यह पढ़कर और सुनकर हमारे मन में करुणा उत्पन्न ना हो, हमारा हृदय व्यथित ना हो, तो मनुष्य कहलाने का अधिकार हमें नहीं है। इस पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं वे आँखें का आगे का भाग। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।